हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे सर्वे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, और हम बात करेंगे कैसे मैंने सर्वे में अप्लाई किया, कितने नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड से सर्वे में, कैसे मैंने प्रिपरेशन की सर्वे के लिए, और लास्ट में हम बात करेंगे सर्वे का सैलरी पैकेज क्या था और मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मैंने सर्वे में अप्लाई कैसे किया। तो मैंने डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था, और लिंक्डइन पे मैंने सर्वे के पेज पे जाकर जो तो प्रोफाइल मेरे को मेरे लिए सूटेबल लगी मैंने उन सब में अप्लाई कर दिया था। तो अप्लाई करने के 1 से 2 वीक बाद ही मेरे पे एक हैकर का टेस्ट लिंक आ जाता है, क्योंकि मेरे को अराउंड 1 वीक में कंप्लीट करना था। तो बेसिकली मैंने वो दिया तो उसमें 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 इजी, 1 मीडियम, एक हार्ड था जो कि DSA से सॉल्व हो गए थे, और एक API से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें मेरे को API से डेटा पुल करना था और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करनी थी उस पर। तो ये 5 क्वेश्चन थे उस टेस्ट में जो कि मैंने 5 के 5 सॉल्व कर दिए थे। तो मैं थोड़ा श्योर था कि मेरे पे नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आ जाएगा। तो अराउंड 1 वीक के बाद ही मेरे पे HR का कॉल आया था, जो कि काइंड ऑफ टेलीफोनिक HR राउंड था, और जिसमें उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे लाइक मेरी करंट एंड एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, और मैं 7 क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, एंड साथ में मैं अपनी करंट कंपनी क्यों लीव करना चाहता हूँ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, एंड उसके बाद उन्होंने मेरे को फर्दर इंटरव्यूज के बारे में बताया, एंड उन्होंने मेरे 2 TR राउंड शेड्यूल कर दिए थे 2 दिन बाद के लिए। तो ऐसे मेरे टोटल 4 राउंड हुए इस कंपनी में, पहला हैकर एंड टेस्ट, दूसरा टेलीफोनिक HR राउंड, एंड उसके बाद 2 TR राउंड। चलिए बात करते हैं मेरे से TR राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा पहला इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, पहले इंटरव्यूअर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, देन उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, एंड उसके बाद हम कोर्ट पर मूव कर जाते हैं। मेरे को यहाँ पे हैकरिंग का प्लेटफॉर्म दिया गया था कोर्ट करने के लिए, और मेरे को लाइव ही सारे के सारे टेस्ट केस वहाँ पास करने थे। तो यहाँ पर वो मेरे से पहला क्वेश्चन ट्री पे पूछते हैं जो कि लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन था। मैं प्रॉब्लम के लिंक से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो वो लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन था, तो अराउंड मैंने 35 मिनट में उसको सॉल्व कर दिया था सारे टेस्ट केस के साथ। एंड सेकेंड क्वेश्चन स्ट्रिंग का था, वो भी इजी मीडियम था लीड कोड का, तो मैंने वो भी सॉल्व कर दिया था सारे टेस्ट केस के साथ। तो इस राउंड में सिर्फ 2 DSA क्वेश्चन थे, तो ये राउंड मेरा डन हो गया था। एंड नेक्स्ट डे मेरे को कॉल आया था कि मैं सेकेंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ। तो मेरा सेकेंड इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ये भी नॉर्मल इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, पहले वो अपने इंट्रोडक्शन देते हैं देन मैं देता हूँ। और मैं इसमें भी 2 DSA क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो पहला क्वेश्चन मेरे से लिंक लिस्ट पे पूछते हैं जो कि लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन था, वो मैंने अराउंड 30 मिनट में सॉल्व कर दिया था। एंड सेकेंड क्वेश्चन DP पे था जो मैंने पहले सॉल्व कर रखा था, तो वो भी मैंने 15 मिनट में सॉल्व कर दिया था सारे टेस्ट केसेस के साथ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आधे घंटे में सॉल्व कर दिए थे। तो इंटरव्यू मेरे से बोलते कि क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे, तो मैंने बोलते यस हम कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम भी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे को API से रिलेटेड थी जो हैकर इनके टेस्ट में आई थी, उसमें मेरे को डेटा पुल करना था API से, और उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग करके आउटपुट देना था, और सारे टेस्ट केसेस उसमें ही पास करने थे। तो वो भी मैंने डन कर दिया था 15 मिनट में। तो अभी हमारे पास फिर 15 मिनट बचे थे, तो इसमें उन्होंने मेरे से कुछ बिहेवियर क्वेश्चन पूछे एंड कुछ कल्चरल फिटमेंट राउंड वाले क्वेश्चन भी पूछे। तो ये राउंड भी डन हो गया था मेरा। तो मेरे दोनों TR राउंड ठीक ठाक डन हो जाते हैं, एंड इंटरव्यू के 1 वीक बाद मेरे पे HR का कॉल आता है कि मैं कंपनी में सिलेक्ट हो गया हूँ, एंड वो मेरा ऑफर लेटर इश्यू कर देते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था सर्वेन के साथ। चलिए अब बात करते हैं मैंने प्रिपरेशन कैसे करी। बेसिकली मेरे पे 2 दिन थे प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें से मैंने 1 दिन तो सर कंपनी के बारे में पढ़ा, कंपनी कौन कौन सी क्वेश्चन पूछती है वो वाले क्वेश्चन ट्राई किए, एंड साथ में मैंने अपना रिज्यूमे पढ़ा एंड अपने प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इंटरव्यू के लिए। एंड सेकेंड डे मैंने DSA पढ़ा, जो जो मैंने क्वेश्चन पहले कर रखे थे, क्योंकि मैं DSA काफी टाइम से करता हूँ, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन रिवाइज किए। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं DSA क्वेश्चन लीड कोड पे सॉल्व करता हूँ तो साथ साथ उसके नोट्स बना लेता हूँ वहीं पे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लिए 1 दिन में जितने मेरे से हुए। तो ऐसे तो मैंने प्रिपरेशन करी। अगर आप DSA पहले से कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा DSA रिवाइज करना। तो बात कर लेते हैं सर्वेन का पैकेज कितना था एंड मैंने सर्वेन कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की। तो बेसिकली सर्वेन का जो पैकेज था वो 12 लाख था, जिसमें से 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस था। एंड मैंने कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं की, तो बेसिकली जब सर्वेन के इंटरव्यू चले थे, सभी में सिग्मोइड के इंटरव्यू भी दे रहा था पहले ही, तो जिस दिन सर्वेन का ऑफर लेटर आया उससे 2 दिन पहले सिग्मोइड का ऑफर लेटर भी आ गया था मेरे पास। तो सिग्मोइड मेरे को कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छी कंपनी लगी, एंड उसका पे स्केल भी सर्वेन से ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सिग्मोइड ज्वाइन कर ली। अगर आपको सिग्मोइड के इंटरव्यू पे कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, मैं उस पर भी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था सर्वेन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो थैंक यू गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।